justify the title Pride and Prejudice in terms of story and characters of Darcy and Elizabeth. आप लोगों ने बताना है कि प्राइड एंड प्रेजुडाइस टाइटल को जस्टिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी, कि क्या स्टोरी में ये टाइटल जस्टिफाई हुआ है या नहीं हुआ. यहाँ पे देखिएगा आंसर. जेन ऑस्टन रोट दिस नॉवल व्हेन शी वाज बेरली 21. ठीक है, जब वो 21 साल की थी उस वक्त उसने ये नॉवल लिखा था. दिस नॉवल वाज द फर्स्ट रिटन अंडर द टाइटल फर्स्ट इंप्रेशन. First impressions is one of the key phrase in the terminology of sentimental fiction. Jane Austen agreed that first impressions are of paramount importance, but she wanted to show that they could be negative and critical and not always positive and sympathetic as usually happen in the first encounter of the hero and heroine of the of loving each other. अच्छा यहाँ पे देखिएगा, कल बेटा मैंने आप लोगों को शेयर की थी पीडीएफ शेयर की थी जो न्यू कमर्स एंड स्पेशली उसमें पीडीएफ खोलिएगा कल वाला, और उसमें पेज नंबर 93 पे आ जाए. व्हाट्सएप किया था ना आपको पीडीएफ, उसको खोलिए और पेज नंबर 93 खोलिएगा, टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइस. अच्छा यहाँ पे देखें तो वो कहता है कि डज द नॉवल डिस्क्राइब हाउ दीज फर्स्ट इंप्रेशंस आर फर्स्ट कंफर्म्ड एंड लेटर इनवर्टेड. वो कहता है कि यहाँ पे जब इसका टाइटल दिया गया फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, लेकिन वो ये शो करना चाहती थी कि दे कुड बी नेगेटिव एंड क्रिटिकल. आपका फर्स्ट इंप्रेशन नेगेटिव भी हो सकता है और क्रिटिकल भी हो सकता है, और ये बात सच नहीं है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है हो सकता है वो हमें अपने आप पे बड़ा नाज हो, जैसे एलिजाबेथ को अपने ऊपर बड़ा नाज था कि वो, जैसे हमें ये लगता है कि हम बंदों को बड़ा अच्छा जो है ना वो अन्ना मैंने कर दी है, वीडियो बंद कर दी बेटा. अच्छा तो यहाँ पे वो क्या है कि इन द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ द हीरो एंड हीरोइन ऑफ रोमांटिक नॉवल, तो हमेशा ऐसा नहीं होता यूजली कि आपका हीरोइन हीरोइन हीरो एंड हीरोइन जब फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है हीरो एंड हीरोइन का, तो जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो, नॉर्मली नेगेटिव ही होता है. जैसे एलिजाबेथ और डार्सी का जो पहला एनकाउंटर हुआ, दोनों का जो फर्स्ट इंप्रेशन हुआ, वो जो था क्या था, नेगेटिव था. बट इन द नॉवल द प्रोटैगनिस्ट इंस्टेड ऑफ लविंग ईच अदर स्टार्ट हेटिंग ईच अदर. लेकिन बजाय इसके कि वो दोनों आपस में मोहब्बत करते, तो उन्होंने जो है आपस में एक दूसरे से हेट करना शुरू कर दिया. Does the novel describe how these first impressions are first confirmed and later inverted? लेकिन novel में अब ये बताया जाता है कि कैसे first impression पहले confirmed होते हैं और फिर later invert होते हैं. Invert किसे कहते हैं? Opposite हो जाना. ठीक है, हम आपने direct proportion and inverted proportion पढ़ा था maths में 6th class में, बल्कि 4th-5th से ही start हो जाता है direct proportion and inverted proportion and then ratio वाले question. याद है? तो ये वही इन्वर्टेड है, टोटली उल्टा हो जाना. इसी तरह आपने वो पढ़ा होगा फिजिक्स में, लेंस पढ़े होंगे. ठीक है, कि लेंस में वो जो है इन्वर्ट एक इमेज आ जाता है और एक बिल्कुल सीधा इरेक्ट इमेज आता है, एक इन्वर्टेड इमेज आता है. तो वो ये सारे. हाउएवर दिस टाइटल वाज लेटर ड्रॉप्ड इन प्रेफरेंस टू अ मोर एप्रोप्रिएट लिटरेरी एंड सोफिस्टिकेटेड टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडाइस. फाइनली एक मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, एक मोर अप्रोप्रिएट टाइटल फिर इस नॉवल को दिया गया. फर्स्ट इम्प्रेशन को चेंज करके इस नॉवल को टाइटल दिया गया प्राइड एंड प्रेजुडाइस का. इस वजह से इस नॉवल के बारे में ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है कि जी आप टाइटल को जस्टिफाई करें कि ये जो टाइटल बाद में रखा गया था क्या ये सही था कि नहीं था. अच्छा जी, फिर वो कहता है कि दिस लेटर टाइटल वाज सजेस्टेड बाय सम सेंटेंसेस एट द एंड ऑफ फैनी बर्नीज सिसिलिया. ऑन द लास्ट पेज ऑफ सिसिलिया देयर अकर्स अ सेंटेंस द होल ऑफ दिस मिसफॉर्च्यून हैज बीन प्रिजर्व्ड ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइस. एंड में सिसिलिया जो है वो कहती है कि भाई ये जो तमाम मिसफॉर्च्यून है ये रिजल्ट किसका था, किसका थी, ये प्राइड एंड प्रेजुडाइस का रिजल्ट थी. जेन ऑस्टन हु हैड अ ग्रेट एडमायरेशन
for Miss Burney's novel, felt the relevance of Pride and Prejudice for her own story and decided to adopt it as a title. Finally, Jane Austen, जिसको Miss Burney's के novel से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो उन्होंने थोड़ी सी relevance उसको लगा कि नहीं भाई, ये अगर title रख दिया जाए तो ज़्यादा better है. In the novel, first impression to play an important part. Elizabeth is misled in her judgment and estimate of both Darcy and Wickham. Her regard and sympathy for later and her hostility and prejudice against the former are due to first impression. But if we study the novel deeply and more seriously, we can easily see that title Pride and Prejudice is more apt and more befitting to it. The first impression which the characters get of each other take up only the first few chapters. The novel about the pride of Darcy and prejudice of Elizabeth and change of attitude in Darcy and Elizabeth, correction of her first impression. At a superficial level, Darcy embodies pride. अगर हम superficial ऊपरी सतह पे देखें तो क्या है कि Darcy जो है embody करता है pride को. Darcy में हमें pride देखने को मिलता है. He is possessed by family pride. क्यों? क्योंकि वो family pride में possessed था. There is no doubt that he is a proud man. Nothing can excuse his remarks about Elizabeth. उसने शुरू में ही एक novel के start में ही उसने Elizabeth के बारे में एक remark किया था, जिसमें उसका pride show हो रहा था और जिसकी वजह से Elizabeth का जो एक first impression था about the Darcy वो गलत रहा. उसने कहा था Darcy ने Elizabeth के बारे में कि she is tolerable but not handsome enough to tempt me. वो कहता है कि ये tolerable तो है, ठीक है, मुनासिब है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत नहीं है कि मुझे tempt कर सके, यानी कि मेरे दिल को नहीं ये भा सके. तो does this, और ये बात जो है जब ये actually Bingley ने उसको कहा था Darcy को कि भाई तुम Elizabeth के साथ dance करो, तो Darcy ने उसके जवाब में ये कहा था कि शी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम एनफ टू टेम्प्ट मी. टॉलरेबल तो है लेकिन इस काबिल नहीं है कि मैं इसके साथ डांस करूं और मैं वो मुझे टेम्प्ट कर सके. और ये बात कहीं एलिजाबेथ ने पीछे वो खड़ी हुई थी और उसने ये बात सुन ली थी और जिसकी वजह से ये सारा हेट्रेड जो है वो स्टार्ट हुआ था. दिस फर्स्ट अपीयरेंस इज अपॉलिंग insolent and we tend to agree that he fancied himself very great. और उसका ये first appearance ही जो है appallingly insolent थी और यहीं से हम ये agree करते हैं कि वो अपने आप को शायद बहुत ही कोई वो अपने आप को बहुत कोई चीज समझता था, अपने आप को बहुत fancied समझता था कि वो कोई बहुत कोई great personality है और वो अपने से नीचे देखना पसंद नहीं करता था या नीचे अपने से लोअर क्लास से वो बात भी करना पसंद नहीं करता था. यहाँ तक कि एलिजाबेथ से उसने के साथ उसने बात किया, उसने डांस भी करना पसंद नहीं किया. Darcy's pride picks Elizabeth and her prejudice stems from her feeling that he is all pride. यहीं से Darcy की इस pride ने एलिजाबेथ को prick किया, या pick लिखा हो बेटा इसको pricks कर लीजिएगा या picks ही कर ले, प्रेक किया एलिजाबेथ को और उसके प्रेजुडाइज, और यहाँ से एलिजाबेथ का प्रेजुडाइज यानी कि उसकी जो सेल्फ असेसमेंट है अबाउट Darcy वो यहाँ से शुरू हुई, दैट ही इज ऑल प्राइड. एलिजाबेथ ने कहा था बेटा इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर ले, ही इज ऑल प्राइड. अच्छा, उसके बाद वो कहता है हैविंग बीन प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट हिम बाय हिज रिफ्यूजल टू डांस विद हर, शी विलफुली मिसइंटरप्रेट्स ऑल हिज अटरेंसेस all his actions. और जब उसने एक ही दफा उसके उसको मतलब जज किया किस वजह से कि उसने रिफ्यूज किया था Darcy ने एलिजाबेथ के साथ डांस करने में, she willfully misinterprets all his utterances. उसके बाद वो हर चीज उसकी जो है उसको मिसइंटरप्रेट करती रही, all his actions. देखिए बेटा, असल में हमारा गुमान अक्सर गलत होता है. कहा गया ना हमें कि गलत गुमान से बचो, ठीक है, तजस्सुस से बचो, गुमान से बचो, कि बास गुमान सरी गुनाह होते हैं. सूरह हुजरात में हम यही पढ़ते हैं ना. तो एक्चुअली बात सारी गुमान की होती है. जब हम किसी इंसान के बारे में गुमान ही गलत कर लेते हैं, कोई भी इंसान 100% बुरा भी नहीं होता और कोई भी इंसान परफेक्टली अच्छा भी नहीं होता, ठीक है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता ना.
तो असल में हमारा गुमान होता है, अगर हम एक बुरे इंसान के बारे में गुमान पॉजिटिव रखें, लाइक एलिजाबेथ, ठीक है, उसका प्रेजुडाइज था ना, उसका गुमान था अबाउट द बिकम कि भाई वो अच्छा इंसान है, तो उसकी गलत भी उसको सही लग रही थी। और जब हम अच्छे इंसानों के बारे में गुमान गलत कर लेते हैं तो हमें उन अच्छों का भी, अच्छों से भी नफरत होने लग जाती। एक्चुअली प्रॉब्लम अच्छे या बुरे इंसान में नहीं होता, प्रॉब्लम हमारी अपनी सोच में होता। और हम मेहनत किधर करते हैं, हम दूसरों पे मेहनत करना शुरू कर देते हैं। बेटा अपनी सोच पे मेहनत करें, अपने गुमान पे मेहनत करें, अपने गुमान चेंज करें, अपने गुमान पॉजिटिव करें, उससे आपकी जिंदगी पलट जाएगी। जिंदगी कभी भी पैसे से नहीं पलटती, जिंदगी कभी भी हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग हमारे पैसे से इम्प्रूव नहीं होते, हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग हमारे गुमान से इम्प्रूव होते हैं। अगर मेरा गुमान अच्छा है तो मैं झोंपड़ी में भी रह के एक मलका की जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन अगर मेरा गुमान बुरा है तो मैं जन्नत में रह के भी जो है, देखें शैतान ने क्या किया था, जन्नत में रह के भी उसने ऐसी हरकतें कर ली थी ना, नाशुक्री की थी ना अल्लाह ताला की, और फिर जन्नत से निकल गया था। तो अगर हमें महल मिला हो और हम उसको खुद जहन्नम बना लें तो ये हमारा अपना कसूर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट होती है कि आपका गुमान कैसा है। तो ये पूरी जो कहानी है ना, ये बेसिकली गुमान पे जो है फोकस की गई है कि हमारा गुमान कैसा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखें तो वो क्या होता है कि वो जब उसका फर्स्ट इम्प्रेशन ही गलत हो जाता है उसके सामने, तो वो उसके बाद डार्सी बहुत कुछ अच्छा भी करता है, लेकिन एलिजाबेथ क्योंकि अपना गुमान ही गलत कर बैठती है, उसको उसकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी, फिर क्या होता है, हर प्रेजुडाइज क्लाउड्स हर यूजली क्लियर जजमेंट, उसका वो जो प्रेजुडाइज होता है वो उसको मतलब उसकी आंखों के सामने छा जाता है, और स्पेशली उसकी क्लियर जजमेंट उसको क्लियर जजमेंट भी नहीं करने देता। एंड शी लिसन्स टू विकम बायस्ड एंड स्लेंडरस अकाउंट ऑफ डार्सी विद कंप्लीट बिलीव डिक्लेयरिंग डार्सी टू बी अबोमिनेबल, और वो किसकी फिर बात सुनती है, विकम की, ठीक है। अब फिर क्या होता है, जब हमारा गुमान किसी इंसान के बारे में गलत होता है ना, तो हम फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई भी एक फ्रेंड है और हमारा गुमान हमें लगता है कि भाई वो गलत है, फिर हम किसके साथ जाके उसकी बुराई करेंगे, अपनी उस फ्रेंड के साथ जो कि उसको बुरा समझती होगी। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, ऐसे ही कहते हैं ना। तो वो क्या होता है कि फिर हम जाके वो दुश्मन के दुश्मन को पूरी कहानी सुनाते हैं और फिर वो दुश्मन ही हमारा दिमाग और ख़राब करता है, ठीक है। तो एक्चुअली दीज आर द थिंग्स कि पॉजिटिव रहने में और नेगेटिव होने में और गुमान के बदल जाने में कितना फ़र्क होता है, एक पॉजिटिव गुमान है और एक नेगेटिव गुमान है। तो अब वो किसके पास जाती है, विकम के पास जाती है, विकम उसे कहता है ओहो इसने तो मुझे भी भाई बहुत लूटा है और ये वो, और फाइनली उसका मजीद जो गुमान होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे ब्लाइंडेड बाय प्रेजुडाइस ही रिजेक्ट्स हिज प्रपोजल फॉर मैरिज, ठीक है, वो उसका मैरिज प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर देती है। इट इज एट रूजिंग्स दैट हर दैट द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी स्टार्ट्स एट नेदरफील्ड पार्क, एलिजाबेथ फैमिलीज एलिजाबेथ फैमिली हर मदर एंड हर सिस्टर्स हैव सीन्ड वल्गर एंड इलबेड। नेदरफील्ड पार्क में उसकी माँ क्योंकि बहुत टॉकेटिव होती है ना, और उसकी छोटी तीन बहनें जो हैं वो बहुत बिगड़ी हुई होती हैं, तो वो बड़ा मतलब वल्गर और इल ब्रेड वो फील करते हैं, मतलब उनकी जो फैमिली है उनका इंप्रेशन बड़ा बुरा पड़ता है। एट रोजिंग टार्सी इज एम्बैरस्ड बाय द वल्गैरिटी ऑफ हिज आंट लेडी कैथरीन एंड रियलाइजेस दैट रिफाइनमेंट ऑफ मैनर इज नो मोनोपोली ऑफ द एलीट नॉर देयर डिप्रेविटी एट द बोन ऑफ द लो। अब क्या होता है, रोजिंग्स में एलिजाबेथ जो कि अपने आप को बहुत कुछ समझ रही होती है, बड़ा एम्बेरस फील करती है जब उसकी अपनी मदर और जो बहनें हैं वो वहाँ पे गलत तौर पे मतलब इल मैनर्ड शो करती हैं, और सेम इज द केस विद डार्सी। तो सेम इज द केस विद डार्सी कि वो भी एम्बेरस फील करता है जब लेडी आंटी कैथरीन जो है वो वल्गर जो है उनका एटीट्यूड देखने में आता है, तो वहाँ पे डार्सी का प्राइड जो है वो शैटर होके रह जाता है कि ये मैनर्स जो होते हैं ये सिर्फ एलीट क्लास के नहीं होते, सोफिस्टिकेशन सिर्फ एलीट क्लास का कोई वर्सा नहीं है, बल्कि ये तो टोटली क्या है, इंसान की नेचर पे, दैट इज
नॉट देयर डिप्रेविटी द बोन ऑफ द लो, ना ही ये जो डिप्रेविटी जो है ये लोअर क्लास का जो है हिस्सा है। अब देखिए बेटा, हम लोग जो है नॉर्मली, एक और चीज भी देखने में आई है कि हम लोग लोअर क्लास से या मिडिल क्लास से मिलना पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि क्योंकि हमारे पास पैसा है, सारा कुछ है, तो जितने सोफिस्टिकेटेड हम हैं इतना तो सोफिस्टिकेटेड कोई है ही नहीं, ऐसे ही राइट? तो ये सारी चीजें, सेम इज द केस, अगर हमारे पास थोड़ी सी डिग्री आ जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल एम ए इंग्लिश की आ गई, तो हमारा वो एम ए इंग्लिश तो जैसे सर का ताज ही बन जाता है, ठीक है? तो आपको एम ए इंग्लिश, इवन एम एस सी साइकोलॉजी, पता नहीं कौन कौन सी डिग्री होल्डर्स जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको सोफिस्टिकेटेड या जिन्होंने इल्म एब्जॉर्ब किया हो ना बेटा, ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। जिस दिन आपको एम ए इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री मिलेगी ना, उस दिन ये ख्याल कीजिएगा कि ये जो एम ए इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री है ना, इसको लेबल नहीं बनाना। यहाँ पे क्या है, एलीट क्लास ने लेबल बनाया हुआ है कि वी आर द सोफिस्टिकेटेड पीपल, और लोअर क्लास जो है वो लेबल्ड है कि नहीं, ये इनके अंदर तो कोई सोफिस्टिकेशन है ही नहीं। सेम इज द केस विद अस, मैंने बी ए कर लिया, मैं तो बैचलर्स हूँ भाई, मैंने तो इतने नंबर ले लिए, हमारी मैं खत्म नहीं होती। तो ये मैं ही तो है बेटा जो तकब्बुर है, ठीक है? दैट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ तकब्बुर। और जब हार जाते हैं फिर किस्मत ही खराब थी, क्या करें? तो उस वक्त हमें अपना वो याद नहीं आ रहा था, यार कहीं पे मेरी भी गलती थी, एक्चुअली दैट इज माय प्राइड, जो मुझे मेरी गलती देखने पे, गलतियां नहीं नजर आती ना हमें अपनी, नहीं मैं ठीक हूँ, दूसरा ही गलत है, तो दैट इज माय प्राइड, मुझे कभी ये नजर ही नहीं आता। बेटा हिदायत ये नहीं है कि मुझे दूसरों की गलतियां नजर आना शुरू हो जाए, हिदायत ये है कि मुझे अपनी गलती नजर आती, और रोज नजर आती है, हर लम्हे नजर आती है। और जब तक बेटा सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, हमें दूसरों की अवेयरनेस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आवर सेल्फ। अगर मुझे सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, ये प्राइड ही है जो हमें सेल्फ अवेयर होने से बहुत दूर रखता है। एलिजाबेथ और डार्सी का प्राइड ही था जो कि उनको सेल्फ अवेयरनेस से दूर रखे हुआ था, ठीक है, जो प्रिवेंट कर रहा था देम फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस। एक दफा आपको सेल्फ अवेयरनेस आती है, आपके अंदर वो बात जाती है, मैंने कहा ना ग्लास खाली होगा तो फिर ही पानी भरेगा ना, तो टू बी नथिंग इज टू बी एवरीथिंग। जब तक आप नथिंग नहीं होंगे, आप सेल्फ अवेयर नहीं हो सकते, चाहे आपके पास फिर आप डबल मास्टर्स हैं, चाहे आप ट्रिपल मास्टर्स हैं, चाहे आप पीएचडी लेवल के हैं, चाहे आप एमफिल में, एजुकेशन और आपकी क्लास, ये कोई लेबल नहीं होता सोफिस्टिकेशन का, ठीक है? तो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि एक दफा उसका प्राइड खत्म हुआ, वो सेल्फ अवेयर्ड हुआ, सेम इज द केस विद एलिजाबेथ, वो सेल्फ अवेयर्ड हुई, एंड फाइनली उनकी जजमेंट जो है जो, तो वो सही हुई। इट इज, तो वो कहाँ हुई? रोजिंग्स पे, रोजिंग्स भी एक जगह का नाम है। अच्छा, फिर वो कहते हैं हिज लेसन इज कम्प्लीट। अब क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस आ गई उसके अंदर, तो उसका लेसन भी कम्प्लीट हुआ। देन ही इज टोटली हम्बल्ड बाय एलिजाबेथ रिजेक्शन ऑफ हिज प्रपोजल। अब एलिजाबेथ की रिजेक्शन के बाद, जब उसको ये था कि भाई मैं तो बहुत एलीट क्लास का बंदा हूँ, मुझे तो कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता, लेकिन एलिजाबेथ ने उसको रिजेक्ट कर दिया। एंड फाइनली अब उसको कहा कि भाई नहीं भाई, ये इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, आई एम नॉट, मतलब मैं शायद उसको सूट ही नहीं करता। देन कॉन्फिडेंट ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड, हर रिजेक्शन मेक्स हिम रियलाइज हिज मिसप्लेस्ड प्राइड। In order to refute the charges, he writes a letter to Elizabeth, and from the moment his mind changes from pride to awareness of value. Elizabeth's pride is softened and corrected by the revelation of Darcy's character. Revelation kise kehte hain? Revelation of truth. ठीक है? Truth का अचानक से सामने आ जाना, बात वाजे हो जाना, वही को भी revelation कहते हैं। ठीक है, तो रिवेलेशन किसे कहते हैं? अचानक से एक सडन जो रिवेलेशन ऑफ ट्रुथ होता है, या सडन रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, उसको हम कहते हैं रिवेलेशन। तो जब डार्सी का वो, डार्सी के बारे में उसको रिवील हो गया सारे ट्रुथ, तो फिर एलिजाबेथ ने भी उसके बारे में कुछ सोचा। द मोमेंट ऑफ सेल्फ अवेकनिंग, सेल्फ अवेकनिंग वही जो सेल्फ अवेयरनेस की मैं बात कर रही थी, कम्स ऑन रिसेप्ट ऑफ डार्सीज लेटर। Learning the truth about Wickham, she realizes her own blindness and prejudice in having a judge
Darcy and Wickham on mere first impression. बात फिर वही आ गई ना कि self realization जब तक नहीं होती हम सच तक नहीं पहुंच सकते, और बीच में हम हमेशा क्या चीज आती है, हमारा प्राइड आता है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि डिफरेंट लोगों के साथ बेटा ऑनलाइन बैठी होती हूँ, डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंटली, सबके बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं, जाहिर बात है हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं कि एक दफ़ा बहुत ही निकम्मी स्टूडेंट आई और मैंने जब मैंने उसको मार्क्स दिए ना, उसकी इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, इतनी ग्रामेटिकल, मैंने उसको मार्क्स नहीं दिए, मैंने कहा बेटा इसको दोबारा से लिखो, और फिर मैंने जो टॉपर का टेस्ट था वो उसको शेयर किया, मैंने कहा देखो इसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, आपके कम आए हैं, आप इसको वो करो। उसने मुझे कहा कि मैम मेरे टेस्ट में और इस टॉपर के टेस्ट में कोई फर्क नहीं। अब आगे आप क्या कह सकते हैं ऐसे स्टूडेंट, ठीक है। और उसने इसी बात पे मुझसे बहुत बहस की कि मैम उसने जो लिखा और मैंने जो लिखा वो सेम मटेरियल है, हालांकि आप अगर जो है उसको दोनों टेस्ट को कंपेयर करें, द राइटिंग पैटर्न, द कोर्स, द ईच एंड एवरीथिंग, टीचर्स, तो टीचर्स के लिए तो सारे स्टूडेंट बराबर होते हैं, लेकिन क्या है जब तक बेटा आप नथिंग हो के नहीं आएंगे इस एकेडमी में, यू कैन नेवर एवर लर्न कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सिखा रही हूँ, आप लोग कभी भी नहीं सीख सकते। तो ये सारा कुछ हुआ, तो देन फाइनली फिर ऐसे स्टूडेंट्स के साथ आपका रिलेशन कितना अर्सा बिल्डअप रहता है, 2 महीने 3 महीने। पहली बात ये कि रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन, दूसरी बात ये कि बेटर टू बी नथिंग एज टू बी एवरीथिंग। जब तक नथिंग लेवल पे नहीं आएंगे यू कैन डू नेवर एवर एनीथिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं। बहरहाल ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है बेटा, 99% स्टूडेंट, 99.9% स्टूडेंट मुझे अच्छे ही मिलते हैं, ओनली सम टाइम्स 0.5% स्टूडेंट ऐसा निकलता है, मतलब कोई साल में एक आध। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे, अल्लाह ने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स दिए। तो आगे जो है, लर्निंग द ट्रूथ अबाउट विकम, शी रियलाइज्ड हर ओन ब्लाइंडनेस एंड प्रेजुडाइस इन हैविंग जज डार्सी एंड विकम ऑन मेयर फर्स्ट इंप्रेशन बाय राइटिंग द लेटर डार्सी हम्बल्स हिमसेल्फ। खैर उस स्टूडेंट ने, आप यकीन करें, इतना मेरे साथ बुरा किया था कि इतनी सी बात को उसने इतना ना का मसला बना लिया था कि वो डिफरेंट आईडीज बनाती थी और मुझे इनबॉक्स करती थी और उसमें वो इतनी गंदी गालियाँ लिखी हुई होती थी कि आपकी सोच है ये गली मोहल्ले की औरतें नहीं गालियां देती, तो मैं फिर हर जगह से उसको ब्लॉक करती थी। मैंने भी फिर मैंने कहा ठीक है ये गालियां देती रहे, कितनी और आईडीज बना लेगी। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कि इतनी सी बात को वो ना का मसला उसने बना लिया कि मतलब मैम ने मेरे टेस्ट में जो है वो यूं किया था, और दूसरा उसने एक और हरकत की थी, बहुत ही उसने गिरी हुई हरकत की थी जिसकी वजह से मैंने उसको कहा था बेटा मैंने आपको नहीं पढ़ाना, एंड आई हैव एक्सपेल्ड हर फ्रॉम माय, शी इज द ओनली वन जिसको मैंने एक्सपेल किया था। लेकिन बाद में जो उसने हरकतें की तो आई वाज, मुझे पहले हो रहा था कि यार कहीं मैंने कहीं तकबूर तो नहीं है मेरे अंदर जो मैंने इसके साथ गलत किया, लेकिन उसने जो बाद में हरकतें की ना, मुझे पक्का यकीन हो गया कि अल्लाह ने मुझसे ये फैसला करवाया है, अगर ये इस ग्रुप में होती ना ये बाकी सारे स्टूडेंट्स को तंग करती, और इसने पूरे का पूरा, वो कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती, तो लिटरली उसने फिर सारे स्टूडेंट्स को बहुत तंग करना था। वो एक आध स्टूडेंट की उसके हाथ आईडी लग गई, एक दो स्टूडेंट्स की, तो उसने उन दो को भी बड़ा तंग किया था मेरे साथ, मतलब ग्रुप से जाने के बाद। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, लेकिन ये कि बेटा वो कब तक बुरा कर लेंगे, ठीक है कितनी और आईडीज बना लेंगे, कितनी आईडीज बनाएंगे, अब तो फेसबुक इतनी ज़्यादा आईडीज प्रोवाइड ही नहीं करता। तो मैंने उसको पता नहीं कोई 5-6 आईडीज थी, फिर वो अपनी फ्रेंड्स की आईडीज से मुझे गालियाँ लगी हुई होती थी, मैंने कहा यार इनका ही वो है, लेट देम डू। तो इस तरीके से फिर मैंने उस लड़की को अवॉइड किया था। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि क्योंकि वो इतने ज़्यादा प्राउड होते हैं, इतना ज़्यादा कि उनको सही और गलत की तमीज़ ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं है। तो मुझे उस पर अक्सर तर्स आ रहा होता था अक्सर उस लड़की में कि शी इज़ सो साइकोलॉजिकल अपसेट कि शी डोंट नो वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग, ठीक है। और मैनर्स और उसमें भी जो है उसको नहीं पता कि कौन सा तरीका ठीक है और कौन सा गलत है, कितना दरगुजर करना है कितना नहीं करना,
मेरे पास वो 3 महीने मेरे से पढ़ने के बावजूद भी अगर उसके अंदर सब्र नहीं आया, उसकी जबान ठीक नहीं हुई, तो इट मीन्स कि उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी है. तो दैट इज द थिंग बेटा, यहाँ पे भी वही चीजें होती हैं जो कि हमें रोज देखने को मिलती है. तो बाय राइटिंग द लेटर, अब जब उसने वो लेटर लिखा, तो डार्सी को के अंदर भी उसको रियलाइज हुआ, एलिजाबेथ बिगिन टू रियलाइज डार्सीज गुड क्वालिटीज. In this connection, Elizabeth's visit to Pemberley is important. The housekeeper's testimony at Pemberley reveals to Elizabeth that Darcy's austerity of manner stems partly from shyness. Later, the Lydia Wickham episode finally corrects her prejudice. Darcy overcomes his pride by involving himself in the Bennet's disgrace and accepting the man he hates his brother-in-law. अब क्या हुआ? बाद में जब लिडिया और विकम जो है वो भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं, तो फाइनली करेक्ट हर प्रेजुडाइस. तो वो उसके प्रेजुडाइस को, यानी कि जब उसी की बहन भाग जाती है विकम के साथ, और विकम जिसके ऊपर जिसे वो हर बात शेयर कर रही होती है, तो अब यहाँ पे उसका प्रेजुडाइस करेक्ट होता है. डार्सी ओवरकम्स हिज प्राइड बाय इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन बेनेट्स डिस्ग्रेस. और डार्सी भी उस प्राइड को ओवरकम करता है जब वो बेनेट की डिस्ग्रेस, जाहिर बात है बेटा उनकी बेटी भाग जाती है, अब फिकर ये होती है कि पूरी फैमिली का इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो अब उसने उस मैन को एक्सेप्ट किया जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, और अब वो उसका ब्रदर इन लॉ था. ब्रदर इन लॉ किस लिहाज से? एलिजाबेथ से इसकी शादी होनी थी, और वही विकम जो है अब वो उसका सांडू, कहते हैं ना इसको, सांडू बन जाएगा. दिस ओवरवेल्म्स एलिजाबेथ एंड क्योर्स हर ऑफ हर इनिशियल प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम. तो ये ओवरवेल्म एलिजाबेथ जो है क्योर करती है उसके इनिशियल प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम को, जो ओवरवेल्म करता है, ओवरकम करता है एलिजाबेथ को, और उसकी इनिशियल प्रेजुडाइस को जो कि डार्सी के खिलाफ उसका था, उसको वो खत्म कर देता है. शी बिगन रिकॉग्नाइजिंग दैट डार्सी वाज द मैन हु इज डिस्पोजिशन एंड टैलेंट वुड मोस्ट सूट हर. लेडी कैथरीन्स इंटरफेरेंस इन द मैरिज बिटवीन द टू हेल्प हर टू सी द थिंग in their true perspective. So the two discovered themselves and each other in their loss of pride and prejudice. The change helped them unite in marriage, the marriage based on love and balanced judgment, and therefore God. Thus the novel traces the relationship between Darcy and Elizabeth, hindered by the pride of Darcy and the prejudice of Elizabeth. Pride leads to prejudice and prejudice invites pride. Okay, ye pride hi prejudice tak lead kiya, और प्रेजुडाइस इनवाइट किया प्राइड को. इनफैक्ट बोथ डार्सी एंड एलिजाबेथ आर प्राउड एज वेल एज प्रेजुडाइस. एलिजाबेथ प्रेजुडाइस स्टेम्स फ्रॉम हर वाउंडेड प्राइड एट द ह्यूमिलेटिंग एंड प्राउड एटीट्यूड ऑफ डार्सी एट द बॉल. शी सेज आई कुड इजीली फॉरगिव हिज प्राइड इफ ही हैड नॉट मॉर्टिफाइड माइन. अब वो कहती है आई कुड इजीली फॉरगिव हिज प्राइड, मैं उसके प्राइड को इजीली फॉरगिव कर देती इफ ही हैड नॉट मॉर्टिफाइड माइन, अगर उसने मेरे प्राइड को ठेस ना पहुंचाई होती, ठीक है, तो मैं भी उसको फॉरगिव कर देती. हर फीलिंग्स आर इंजर्ड बाय डार्सीज प्राइड इन डिसमिसिंग हर एज टॉलरेबल, रुइनिंग विकम्स प्रोस्पेक्ट एंड इंटरफेयरिंग विद जेन्स हैप्पीनेस. ठीक है, उसकी जो फीलिंग्स थी वो उस वक्त इंजर हुई, सबसे पहले जब डार्सी ने उसके बारे में कहा कि शी इज नॉट टॉलरेबल, शी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम एनफ टू टेम्प्ट मी, यही बात की थी उसने. दूसरा उसके जहन में यही था कि इसने विकम के प्रोस्पेक्ट्स को खराब किया है. और तीसरा, डार्सी ने जेन की शादी जो है बिंगली से नहीं होने दी थी. उसने बिंगली को कहा था नहीं, ये तो लोअर क्लास की है, तुम अपर क्लास की हो, तो ये तुम्हारी क्लास को सूट नहीं करती. द रिलेशनशिप बिटवीन डार्सी एंड एलिजाबेथ बिगिंस विद एंटीपैथी एंड डिसलाइक. द टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज दस वेरी एविडेंट पॉइंट्स टू थीम ऑफ नॉवल. द नॉवल गोज बियॉन्ड अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन एंड एक्सप्लोर्स इन द डेप्थ the abstract qualities of pride and prejudice, how they grow and how they can be overcome. Kis tarah se pride jo hai wo grow karta hai aur kis tarah se wo overcome karta hai. Theek hai, ye beta ji aapki aaj ka